नमस्कार दोस्तों, न्यू सिकवाटी डिफेंस एकेडमी चिडावा के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में द्विपदपर में बीटी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, और फिर हम ट्रिकी मैथमेटिक्स जो भी है जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या कर पाओगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था x प्लस ए पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हो, 11th में पढ़ा हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पदों की संख्या होती है इसमें n प्लस 1, सेम इसी टाइप से आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस b पावर n के प्रसार में पदों की संख्या बराबर n प्लस 1। सम एग्जांपल्स जैसे आप लेते हो x प्लस 2x स्क्वायर पावर 10, पद कितने हुए इसमें 2, तो इसका मतलब तभी तो इसको द्विपद पद में बोला गया। तो यहां पे के प्रसार में पदों की संख्या, यहां पे n की वैल्यू कितनी हुई 10, तो 10 प्लस 1 इक्वल 11, तो कितने पद हुए इसमें 11 पद हुए। इसी टाइप से आपने क्वेश्चन लिखा x माइनस 3x स्क्वायर, ये सेम नहीं रख सकते क्योंकि आप ये सोच रहे हो ऐसे लिख दिया तो यहां पे पावर 10, इट मींस ये तो आपके पास में माइनस 2x हो गया, माइनस 2x की पावर 10, और यहां पे आपके पास में इवन नंबर है तो ये आपके पास में पॉजिटिव जाएगा, 2 पावर 10 x 10, कितने पद हुए, एक ही तो पद हुआ, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इसको मैं यहां से चेंज करता हूं, स्क्वायर लिख देता हूं, क्यूब लिख देता हूं, फिर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या आएगा। देखिए, यहां से आपने देखा इसमें पद कितने हैं 2, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था x प्लस माइनस a। तो देखिए, यहां पे x माइनस 3x स्क्वायर होल पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या आपके पास में कितनी हो जाएगी 11, राइट। अगर आपके पास में जाए 2x प्लस x पावर 5 होल पावर 15 के प्रसार में पदों की संख्या, तो 15 प्लस 1 कितने जाएंगे 16, तो कितने पद हो गए टोटल 16 पद हो गए। ये आपने बेसिकली आप सभी जानते भी हो इसके बारे में। अब देखिए, यहां से दो से अधिक पद अगर हमें मिलते हैं तो क्या करते हैं उस चीज के। देखिए, आपके पास में पैटर्न होता है x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3 प्लस माइनस x4 और प्लस माइनस इनफाइनाइट प्लस माइनस xp पावर n। तो यहां पे कितने टर्म है टोटल p टर्म। तो यहां पे आपके पास में पदों की संख्या जो है, में पदों की संख्या n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स, तो यहां से देखिएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या, तो यहां पे ये चीज पूछ ली। तो यहां पे पदों की संख्या के लिए सबसे पहले कितने टर्म है, देखिए कितने टर्म है 3, p का मान कितना है यहां पे 3, n का मान कितना है यहां पे 10, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, और आइडेंटिटीज भी जानते हैं n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। अब यहां से देखिएगा, पुट करेंगे तो 13, और 13 में से 1 गया तो 12 c, और यहां पे आ गया 2, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहां पे आपने, मैं पहले एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर अपन बेसिक जो प्लस टू में अपने 11th में और 12th में जो आपने पढ़ा था वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, देखिए ऊपर जो है वो ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे है वो नीचे लिख दीजिएगा, ओके। अब देखिए, नीचे जो आपके पास में है उसको आप एक्सटेंड करेंगे
वन तक, मतलब उसका एक एक पद घटाते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में वन, और इसमें कितने पद आए टोटल टू, तो यहाँ ऊपर भी आपके पास में टू करने। अब देखिए ये इसमें कट गया कितने बार, सिक्स, तो यहाँ जाएगा 66 पद। ओके, अब देखिए इसको स्कूल मेथड से भी अपन सॉल्व करते हैं। स्कूल मेथड में मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये सारी चीजें आप जानते हो। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल एन जो है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, और ये इनफाइनाइट लास्ट में आता है इंटू वन, क्योंकि लास्ट में आ जाएगा एन माइनस एन, एन माइनस एन कितना होता है जीरो, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो ये इसको एक्सटेंड करने का पैटर्न है। तो वैसे ही यहां इसको अपन पुट करेंगे तो देखो फैक्टोरियल 12 और यहां पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में देखिए आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और नीचे आपके पास में फैक्टोरियल 10 से लैप्स हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ गया 66। बात वही है, घुमा फिरा के आपको करनी वही है, लेकिन आप इसको यूज नहीं करके सॉल्व मेथड को यूज करें। आगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि इससे आप और क्लियर हो जाओगे। देखिएगा स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं फटाफट, डन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं अपन, इस पैटर्न को जो मैंने आपको सॉल्व किया है इसको अपन वेरीफाई करते हैं छोटे क्वेश्चन के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5 के प्रसार में पदों की संख्या ऑलमोस्ट, अभी स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी, कितनी है n, दो पद है, कितनी है n, तो पदों की संख्या कितनी थी n प्लस 1, यहां कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए इसको इस पैटर्न से सॉल्व करते हैं, p कितने हैं, p पद कितने हैं 2, एंड n कितना है 5 पेयर। अब उस पैटर्न में यूज करते हैं अपन, तो देखो n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन इसमें यूज करेंगे, तो यहां से आप देखेंगे 2 प्लस 5 7 माइनस 1 6, सी पी आपके पास में कितना है 2 माइनस 1 मींस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, अब नीचे तो 1 ऑलरेडी है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 6 पद, और यहां पे भी आपके पास में कितना आया था 6 पद। वेरीफाई कर सकते हैं आप अच्छे, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव पावर 2 के प्रसार में पदों की संख्या, ये इसने क्वेश्चन में पूछ लिया। तो यहां पे सबसे पहले देखिए हम पद कितने हैं, इसमें पद कितने हुए 1 से स्टार्ट हुए 5 तक, कितने पद हुए 5, तो इसमें p कितना हुआ 5, n कितना हुआ इसमें 2, और आपके पास में आइडेंटिटी आपको दे रखी है, यूज कर दीजिएगा उसमें, तो देखिएगा आपके पास आता है 5 7 7 6 हो गया 6, एंड यहाँ पे p 4 हो गया, राइट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपके पास में 5 4, पहले नीचे करेंगे 3 2 एंड 1, कितने बार है 4 बार, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 और आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 से 4 लैप्स हो गया, 3 से 3 लैप्स हो गया, और 2 से ही आपके पास में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 15। ओके, कितने आ गए 15 पद आ गए, और अगर आप इसको उस मेथड से करते हो आप एनसीआर से, तो आप उससे भी कर सकते हो, तो उससे भी आपके पास में आएगा, जैसे 6c4 इक्वल फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 माइनस 4 कितना हो जाता है यहाँ पे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 नीचे प्रेजेंट है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है 4 से 4 और ये 2 से इसको काटेंगे तो आपके पास में कितना जाएगा 3 एंड 5 3 जा 15 15 यहाँ पे भी आपके पास में यही आती है, बेसिकली जो आपको अच्छा लगे यूज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं।
ओके चलो नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इसी पैटर्न पे, जो बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं और वो बच्चे सीधे याद रखते हैं, आपको सीधे याद नहीं रखते। जैसे ए प्लस बी पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या, सभी को पता है पहले पहले क्वेश्चन पहले की इसी की चर्चा की थी एन प्लस वन, लेकिन इसको भी मैं इसी तरीके से वेरीफाई करता हूं। देखिए वेरीफाई करेंगे तो आपके पास पद कितने हैं, दो, एन कितना है, एन, तो यहां पे आपके डेसिमल कितना देगा, एन प्लस पी एन प्लस दो माइनस वन है सी, और यहां जाएगा दो माइनस वन दो माइनस एक, और यहां देगा आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में देगा एन प्लस वन सी वन, तो ऊपर बोलेंगे तो एन प्लस वन अपॉन वन, तो आपके पास में एन प्लस वन। ये चीजें आगे नेक्स्ट, जैसे ए प्लस बी प्लस सी पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या, ये पूछ लिया गया, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, देखिएगा सबसे पहले पद कितने हैं, ठीक, एन कितना है एन, तो यहां पे आपके पास में देगा एन प्लस पी थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो एन प्लस टू सी टू। ओके अब देखिए ऊपर का ऊपर एन प्लस टू और नीचे का नीचे, आगे हम एक्सटेंड करेंगे इसको तो देखिए यहां पे वन, तो यहां पे आ जाएगा एन प्लस वन, वहां पे भी एन प्लस टू से कम कर दिया ना, ये वन कम कर दिया, यहां पे भी टू में वन कम किया था। अब देखिए इसके बाद आपके पास में आएगा एन प्लस टू एन प्लस वन अपॉन टू, ये इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से अगर आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पावर एन के प्रसार में पद ये पूछ लिए जाए, तो यहां पे भी आपके पास में वही चीज होगी, सबसे पहले पद कितने हैं एन प्लस फोर माइनस वन है सी फोर माइनस वन, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में कितना एन प्लस थ्री सी थ्री। आप देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, मजा आ रहा है ना, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। तो देखिएगा इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप हम कम करते जाएंगे, तो यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे कितने स्टेप तक करेंगे, तो देखो टू एंड वन कितने पता है आपके पास में, तो यहाँ पे एन प्लस थ्री एन प्लस थ्री, तो यहाँ पे एन प्लस टू और यहाँ पे फिर एन प्लस वन, और इसका आंसर कितना जाएगा एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री अपॉन सिक्स, ये आपके पदों की संख्या। तो इस प्रकार से आप कोई भी पदों की संख्या कितनी भी लंबी हो आप आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं x प्लस वाई पावर n के प्रसार में पदों की संख्या 20 है तो एन क्या होगा, सिंपल सी एकदम सी आसान क्वेश्चन है। देखो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी पढ़ी है हमने पीछे एन प्लस वन, राइट, क्योंकि यहां एन है, और यहां पे कितना दिया है इसकी इसका रिजल्ट 20, तो यहां से एन कितना गया 19। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे एक्स प्लस एक्स क्यूब पावर 15 की जगह एन लेना सॉरी एन के प्रसार में पदों की संख्या 30 है तो एन क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए यहां से लेके और यहां तक का पदों की संख्या हम जानते हैं, दो पद पावर एन तो प्रसार में पदों की संख्या एन प्लस वन, तो यहां पे एन प्लस वन और गिवन कितनी है 30, तो आप लिखेंगे 30, तो एन कितना जाएगा 30 माइनस वन इक्वल कितना जाएगा 29, तो ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन करते हैं
जैसे एक एग्जांपल दे दिया जाए, x प्लस वाई प्लस जेड पावर, यहां पे समथिंग कोई भी पावर दे दी जाए n, के प्रसार में पदों की संख्या 28 है, तो n क्या हुआ? सेम वही चीज है, ये कितने टर्म में आ गए? तीन टर्म। पहले कितने टर्म में थी? दो। तो तीन टर्म में, देखिएगा मैं एक बॉक्स में लिखता हूं, ये बॉक्स का है, बॉक्स का सॉल्यूशन आपने सीख लिया। क्या सीखा है? x प्लस वाई प्लस जेड पावर, n के प्रसार में पदों की संख्या सभी जानते हैं। देखिएगा n, क्योंकि n है यहाँ पे, प्लस p 3 है, माइनस 1 c p 3 है, माइनस 1 ये आपका इस बॉक्स का सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में कितना दिया है? 28। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 28। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2 c 2 इक्वल 28। अब ऑलमोस्ट इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर n प्लस 2 और नीचे का नीचे। अब इसको और देखिएगा 2 1, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो प्लस 1 एन प्लस 1 इक्वल 28, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन प्लस 2 एन प्लस 1 इक्वल, और ये हो जाएगा 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब देखिए यहां पे इसको शॉर्ट मेथड जो आपके ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और ऑप्शन में आप ये देखेंगे कि n की वैल्यू वहां से क्या उठा के आगे रखें। तो देखिए 6 7 8 और ये ऑप्शन में रखें, तो देखिए यहां से इस ऑप्शन में से 6 पुट करते हैं, तो 6 से कितना होगा? 6 और 2 8, 6 और 1 7, और 8 7 56, तो आपका ऑप्शन ये आ गया। तो ये आप नेगेटिव अप्रोच से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर वैसे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को इसको सॉल्व करके क्वांटिटी के क्वेश्चन बनाओगे फिर एन आप फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। नेगेटिव अप्रोच से सीधे क्वेश्चन को पुट करो, और ये ध्यान रखना है इसमें देखो एन प्लस टू उसका नेक्स्ट एक पद छोटा हुआ तो ये कंटिन्यू आएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी लेंगे यहाँ से 5 होगा तो 6 या 6 होगा तो 5, मीन्स आगे पीछे कोई भी नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई, तो ये आपका आंसर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे a प्लस 2b माइनस c के पावर n के प्रसार में पदों की संख्या 36 है, तो n क्या होगा? n क्या होगा ये आपको पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले n को बताने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहां पे देखिएगा यहां से लेके और यहां तक का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये तो साल में पदों की संख्या। मुझे नहीं लगता किसी दोस्त को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, एनीवन नॉट नेवर नेवर। ओके देखिएगा इस पार्ट को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस p 1 2 3 माइनस 1 c p 3 माइनस 1 इसका सॉल्यूशन तो ये है, और गिवन सॉल्यूशन कितना है इसका आंसर में, क्वेश्चन में सॉरी कितना है? 36। इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2 c 2 इक्वल 36। अब देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे इनटू 1 और इनटू n प्लस 1 इक्वल 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 2 एंड यहां जाएगा आपके पास में n प्लस 1 इक्वल 36 का जाएगा आपके पास में 72। क्लियर? अब देखिएगा ऑप्शन वही ऑप्शन a b c एंड डी आपको मिलेंगे, तो यहां से ऑप्शन ए बी सी को पुट करके देखेंगे तो देखिएगा कंटिन्यूशन, पहले ऑप्शन को नहीं देखेंगे वैसे फाइंड करो आप, लगाओ कमेंट क्या हो सकता है। देखिएगा यहां पे मान लीजिए कि कौन से दो फैक्टर होंगे जो कंटिन्यू हैं जिनका मल्टीप्लाई 72 है, बोलिएगा। देखिएगा 9 8 9 8 72। क्लियर ना? अब ये 8 कब बने? या 7 आए,
और ये सेवन है तो ये भी सेवन देगा, सेवन प्लस टू नाइन, तो ऑप्शन में कितना देगा, फाइव सिक्स सेवन एट, ये ऑप्शन में मिलेगा। अगर ऐसे आप नहीं ढूंढ सकते हो तो ऑप्शन से आप रख के देख लीजिएगा, तो देखिएगा ऑप्शन से आपको क्या लिखना पड़ा, सेवन रखना पड़ा, तो सेवन रखेंगे तो ये नाइन हो गया, सेवन रखेंगे तो प्लस वन एट हो गया, और ये सेवन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई आपके पास में, सेवन हो गई। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट सीरीज इसकी हम नेक्स्ट क्लास में।